हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और हमेशा की तरह आपको और बेहतर बनाने के लिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो आइए बिना समय गंवाए समझने की कोशिश करते हैं क्या है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, मेथेन, मेथेनॉल इत्यादि गैसों का यूज होता है। इस गैसों का दहन होता है उसमें और दहन ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो जो दहन ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल दे उसका नाम है, उस गैल्वेनिक सेल का नाम क्या है? तो फ्यूल सेल। समझ गए? तो फ्यूल सेल इज टाइप ऑफ, विशेष तरह से डिजाइन किया हुआ एक प्रकार का क्या ये गैल्वेनिक सेल ही है और इसमें दहन होता है और वो दहन ऊर्जा जो होती है उसको बदल देते हैं इसमें किस सीधे किस में? विद्युतीय ऊर्जा में। तो आइए लिखते हैं, नोट्स बनाना जरूरी है। फ्यूल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। तो कौन सा सेल गैल्वेनिक सेल फ्यूल सेल कहलाएगा? तो वह गैल्वेनिक सेल जिसमें दहन किसका किया जाता है? तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा, मेथेन, मेथेनॉल इत्यादि, और इस ऊर्जा सीधे किसमें बदल देंगे? तो विद्युतीय ऊर्जा में। तो आप डेफिनेशन देते हैं, वह गैल्वेनिक सेल सेल जिसमें H2CH4 मेथेनॉल CH3OH ETC का दहन होता है। और दहन ऊर्जा को सीधे किसमें बदल देते हैं? दहन ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल दिया जाता है उसे फ्यूल सेल कहते हैं। बहुत सिंपल है डेफिनेशन, आपको एकदम बहुत ही आसान है। याद रखिएगा कि उसमें दहन के लिए किसका आप ईंधन के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं? H2 ये हाइड्रोजन है, मेथेन है, मेथेनॉल इत्यादि, इससे दहन ऊर्जा प्राप्त हुई और ये दहन ऊर्जा को किसमें सीधे आपने कन्वर्ट कर दिया? तो सीधे विद्युतीय ऊर्जा, याद रखिएगा, विद्युतीय ऊर्जा में बदल दिया आपने बिना कहीं दूसरे चीजों में बदले, तो उसका नाम क्या हो गया? फ्यूल सेल। में उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब आइए, जो फ्यूल सेल है उस फ्यूल सेल कई प्रकार के हैं जिसमें सबसे फेमस, सबसे सफल फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो आइए नोट कर लेते हैं हम लोग आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हुए में मैं हूं आपके साथ। आप सबसे सफल फ्यूल सेल H2O2 फ्यूल सेल है। आपको ये जानना चाहिए कि H2O2 फ्यूल सेल वह फ्यूल सेल है जिसका उपयोग अपोलो मिशन में किया गया था। अपोलो
मून मिशन लिख सकते हैं अपोलो मून मिशन में H2O2 फ्यूल सेल का यूज किया गया था। जानते हैं इस फ्यूल सेल की बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस फ्यूल सेल में बाय प्रोडक्ट के रूप में जल बनता है H2O। तो उनको जो जल की जरूरत थी वो इससे जो जल उत्पन्न हुआ इसी जल का उपयोग उन्होंने पेय जल के रूप में किया, उसको उन्होंने पिया अपने लाइफ को बचाने के लिए। अब हमें जो है समझना होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, बनावट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात आप जानना चाहते हैं फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो लिख देता हूं मैं एक लाइन यहां, कंस्ट्रक्शन ऑफ, एकदम सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे, एकदम उसको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज किसके बाद क्या होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, किसी भी सेल, आपने इतने सेलों के बारे में पढ़ा, उसमें आपके पास एक एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यही तो है ना, और क्या है। तो आप जानिए कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड माने कैथोड और एनोड दोनों कार्बन के छड़ का उपयोग किया गया, एक ऐसा कार्बन पोरस कार्बन जिसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम प्लैटिनम या सोना का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ एनोड के रूप में क्या था, तो कार्बन पोरस कार्बन पोरस कार्बन रड लेके, ध्यान रखिए प्लैटिनम पीटी या पीडी युक्त, ये पीटी या पीडी किस लिए, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैथोड कैथोड भी वही सेम ही चीज, पोरस कार्बन रड और प्लेट, ये हो गया आपका पीटी या पीडी युक्त। अब आइए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसमें वैद्युत अपघट के रूप में NaOH या KOH के सांद्र जलीय विलयन, सांद्र जलीय विलयन। तो आप समझ गए कि इसमें आपने एनोड इलेक्ट्रोड कह दीजिए सीधे, इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन छड़ का उपयोग किया आपने, वो कैसा है तो छिद्रयुक्त है, उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लगा हुआ है तो प्लैटिनम लगा हुआ है, प्लैटिनम लगा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया, NaOH या KOH का कॉन्क सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब देखते हैं ये बना हुआ कैसे रहता है, जरा इसका स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो आपको इतना पहले नोट कर लें और फिर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बना होता है जरा देखा जाए, बहुत सिंपल डिजाइन है इसका, बहुत ही सिंपल डिजाइन, कम से कम बोर्ड पे बनाने और समझने के लिए तो है ही। यह इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, जिसमें आपने क्या किया हुआ है तो क्या मिलाया है उत्प्रेरक के रूप में, प्लैटिनम या प्लैटिनम। आप इसको समझ लीजिए कि ये छिद्रयुक्त, और एक यहाँ पर और दो इलेक्ट्रोड चाहिए ना, तो एक और इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड भी क्या है तो कार्बन ही है और छिद्रयुक्त ही है। अब एक तरफ से आपने क्या किया इसमें कि हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, जब हाइड्रोजन गैस अंदर जाता है तो बबल्स के रूप में अंदर वैद्युत अपघट में इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप समझिए इस चीज को, आपने यहां से छोड़ा ऑक्सीजन O2 गैस और यहां से H2 गैस, क्या हुआ जरा देखिए, यहां पर आपका ये H2 गैस है
यहां पर क्या है ये, तो O2 गैस है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपने अभी कहा कि क्या चीज भरा हुआ है, बोलिए। हाँ कुछ कुछ बोलते रहिए। इसमें है NaOH कॉन्क, NaOH या आप कह सकते हैं KOH का सॉल्यूशन है, का जलीय विलयन है। फिर उसके बाद अब समझिए जरा प्रक्रिया को, इधर से क्या होता है कि पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है, इधर से बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में H2 प्रवेश करता है इसमें, इधर से O2 प्रवेश करता है। उसके बाद जल बनता है, यह है H2O, ये आपका एनोड हो गया, ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन के साइड में है। ये कार किसका बना हुआ है, तो कार्बन का, पोरस कार्बन का ये एनोड है, एनोड आप इसको माइनस कह सकते हैं। ये हो गया कैथोड और ये है पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा कि ये भी पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड एनोड, और ये भी जो है पोरस में छिद्र, जिसमें महीन छिद्र हो, पोरस है, कार्बन कैथोड हो गया। बस यही डिजाइन है, बहुत सिंपल डिजाइन है H2O2 फ्यूल सेल का। आप समझ गए कितना सिंपल है, आपको ले लेना है दो इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड इसमें, अच्छा बात यह है कि दोनों कार्बन के ही हैं, एक तरफ आपने हाइड्रोजन गैस लिया, दूसरी तरफ आपने ऑक्सीजन गैस लिया, इस छिद्र से होकर, ये बिल्कुल छिद्रयुक्त है, पोरस से इस छिद्र से पास कर जाते हैं वैद्युत अपघट में, वैद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NaOH या KOH का सांद्र जलीय विलयन है। बस अब क्या होता है, अब कौन सी अभिक्रिया होती है एनोड पर, कौन सी अभिक्रिया होती है कैथोड पर, तो जरा हम लोग रिएक्शन, तो रिएक्शन हो गया सबसे पहले एनोड पर, एट एनोड, क्या है एनोड पे, हाइड्रोजन H2, और यहां जो ये आपका वैद्युत अपघट है उससे OH आया, OH माइनस, और इस तरह से बनता है H2O, और जरूरत के हिसाब से यहां पर हम लोग गुना कर देते हैं 2 से, ये 4 से, और ये हो गया 2 से, सॉरी 4 से हो गया मल्टीप्लाई। अब आइए कैथोड पर, एट कैथोड, आप समझ रहे हैं क्या है कैथोड पे, आपके लिए ऑक्सीजन है O2 और जल बना H2 आ गया, 2H2 आपने लिया, ये बन गया 4OH माइनस, और सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4E। बस यही रिएक्शन होते हैं, आप दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए टोटल रिएक्शन क्या हो रहे हैं, तो O2 प्लस 2H2, ये OH से OH कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये 2H2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2H2O, एंड दिस इज द फाइनल रिएक्शन। यही जो होता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में रिएक्शन होता है, इसी से जो पानी बनता है, इस पानी का भी, जल का भी उपयोग कर लिया जाता है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल चलना चाहिए कि क्या इसमें ऐसी एक खास बात है किसको हम लोग अलग से पढ़ें, तो आपके पास जो फ्यूल सेल है ना, इसकी दक्षता ज्यादा है, आप उष्मीय सेल के रिस्पेक्ट में देखें तो उष्मीय सेल और फ्यूल सेल में अगर डिफरेंस कर दें, ये हो गया मान ली कि फ्यूल सेल और ये उष्मीय सेल, तो इसकी जो दक्षता है, कैपेसिटी है, दक्षता जानते हो, ये 70% अप टू 70%, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इसकी दक्षता है 70%, ये मतलब कि ईंधन में से 70% एनर्जी निकाल लेगा, और इसकी दक्षता मात्र, दक्षता है कितनी, तो 40%, तो क्यों ना आप इसका उपयोग करेंगे, करेंगे ना। दूसरी, ये प्रदूषण रहित है, प्रदूषण
रहित है। और ये क्या होता है? प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रदूषण उत्पन्न करता है। तीसरी पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप दिमाग में रखिए, जब तक इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप सप्लाई करते रहेंगे तब तक ये काम करेगा, मतलब ये कोई डेड नहीं होता, ये मृत नहीं होता। आप रिएक्टेंट सप्लाई करते रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अपना एनर्जी देता रहेगा, लेकिन उसमें ये सेल के साथ ऐसा नहीं है, वो डेड होता है। तो ये अनंत काल तक ये आपको जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे और ये ऊर्जा आपको देता रहेगा। एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें आप यूज किसका कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन उष्मीय सेल में आप जीवाश्म का ईंधन जैसे कि पेट्रोल का, लकड़ी का, कोयले का, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, जो कि उसमें आपको जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है इसको ज़्यादा बेहतर बनाता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो उष्मीय सेल के रिस्पेक्ट में। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इसके लिए ज़्यादा बेहतर से बेहतर टेक्निक खोजी जाए, इसको आसानी से किया जाए, इसके लिए लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये था, तो आइए समझते हैं अब इस वीडियो के अंत में संक्षारण क्या है, क्रोजन क्या है। तो क्रोजन का मतलब हुआ सिंपल सा है कि कोई आपका मेटल है और मेटल के सतह पे मेटल के ऑक्साइड या अन्य साल्ट जो होते हैं ना, इस पे चिपक जाते हैं इसके सतह पर, और इसी को आप क्या कह देते हैं, संक्षारण कहते हैं। और ये बहुत ही हानिकारक होता है। संक्षारण के कारण जो होते हैं विश्व में बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है संक्षारण की वजह से। तो ये समझते हैं विज्ञान के शब्दों में कि संक्षारण क्या है। तो आप ये जानिए कि संक्षारण एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, फिनोमेनन है, जिसमें धातु के सतह पर ऑक्साइड या अन्य धातु के साल्ट जो होते हैं उनका कोटिंग हो जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन दे सकते हैं, संक्षारण एक प्रकार के इलेक्ट्रो केमिकल फेनोमेनन है, फेनोमेनन आप कह सकते हैं हिंदी में वैद्युत रासायनिक परिघटना, परिघटना। तो क्या है एक तरह का, तो इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन है जिसमें होता क्या, जरा समझा जाए, ये मुख्य बात है, जिसमें धातु के सतह पर ऑक्साइड या धातु के अन्य या धातु के अन्य साल्ट का धातु के सतह पर कोटिंग हो जाता है, कोटिंग हो जाता है। मतलब धातु की सतह पर अगर धातु का साल्ट है या कोई अन्य उसके ऑक्साइड है, अगर उसका लेप लग गया, कोटिंग हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं आप, संक्षारण कहते हैं, कोटिंग हो जाता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको लोहा में मिलता है। लोहा का जो ऊपर जंग लगना होता है, रस्टिंग, ये संक्षारण के कारण, यही तो संक्षारण है ना, रस्टिंग, जंग का लगना। अगर आपके पास चांदी है तो जो उसका टर्निशिंग है, चांदी का बदरंग हो जाना, मतलब उसका जो चमक है घट जाना, वो संक्षारण का उदाहरण है। आप तो उस पर इतना हरा हरा सा एक लेयर लग जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ये कौन सी है, तो संक्षारण के उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ
क्रोजन, यही संचारण के उदाहरण हो गए। तो अब संचारण क्या है ये तो हम लोग समझ लिए कि धातु के सतह पर उसके ऑक्साइड का या किसी साल्ट का लिप लग जाना। संचारण क्यों होता है ये महत्वपूर्ण बात है। संचारण क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसे आप नोट करिए, फिर उसके बाद संचारण के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। संचारण का जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ जो क्रोजन है, वो बहुत ही जटिल है। संचार, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, संचारण की क्रियाविधि, उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत जटिल है, लेकिन इसको आप एक वैद्युत रासायनिक परिघटना समझते हुए और इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो संचारण की प्रक्रिया कैसे हो रही है, जरा इस घटना को समझते हैं। कहीं पर धातु रखा हुआ है, तो क्या होता है कि इस धातु की सतह पर जो नमी होती है ना, उस नमी में घुल जाता है ऑक्सीजन और CO2 गैस घुल जाता है। कहाँ पे, तो धातु के सतह पर ही। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले पॉइंट वाइज करके लिख देते हैं हम लोग, पहले एक नंबर में लिखेंगे धातु के सतह पर जलवाष्प में, धातु के सतह पर जलवाष्प में O2 और CO2 गैस घुल जाता है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ घुला, तो धातु के सतह पर जो जलवाष्प है उसी जलवाष्प में ऑक्सीजन घुल गया और CO2 गैस घुल गया। अब ये हुआ क्या, और H2CO3 बनाता है। घुल तो गया लेकिन घुलने के बाद क्या बना है, H2CO3। और ये जो H2CO3 एसिड जो है ना, ये टूट जाता है 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस के रूप में, दूसरी चीज है। तो पहली बात हम लोगों ने समझा कि अगर आपने कहीं धातु रख दिया, अच्छा हम लोग यहां पर उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए लोहा को, धातु मतलब यहां पर लोहा के एग्जांपल के रूप में लेंगे। आपने कहीं लोहा रख दिया हुआ है, उस लोहा के सतह पे नमी, वायुमंडल की जो नमी है, वो नमी में क्या हुआ, ऑक्सीजन घुला और उसमें घुल गया CO2 गैस, और उसके बाद उसी सतह पर बना लिया क्या चीज, तो कार्बोनिक अम्ल, और ये कार्बोनिक अम्ल इस तरह से टूट करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है। पॉइंट नंबर दो जो नोट करने वाला है, क्या होता है कि जो धातु जैसे लोहा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है ऑक्सीजन को, और इस तरह से लोहा का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब लोहा को ऑक्सीकरण किसने, ऑक्सीकृत किसने किया, ऑक्सीजन ने। तो धातु, धातु का मतलब हम लोग यहाँ एफ ही लगाएंगे, धातु एफ ही ऑक्सीजन, इसी घुले हुए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Fe++ में ऑक्सीकृत हो जाता है। पूरी प्रक्रिया को आप आराम से समझने की कोशिश करिए। हुआ क्या कि लोहा आपने कहीं रखा हुआ था, वह लोहा इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ऑक्सीजन को, स्वयं बदल गया किसमें, Fe++ में। आप ध्यान से देखिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस स्थल पर ये ऑक्सीडेशन हुआ वह जगह, वह स्थान एनोड का कार्य करता है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिस स्थान पर ऑक्सीडेशन होता है वह स्थान एनोड का कार्य करता है, वह स्थान एनोड का कार्य करता है। एक्चुअली देखिए, आपने कहा कि जंग लगना एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है, तो
तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोन के लिए एनोड और कैथोड का तो होना जरूरी है। तो जहां पर भी लोहा आपने रखा हुआ है, जब लोहा ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ऑक्सीजन उसको ग्रहण किया और एक तरह से ऑक्सीजन नहीं लोहा को ऑक्सीकृत कर दिया, तो वो जगह किस रूप में काम किया, वो जगह ही ये माहौल क्रिएट किया कि लोहा इलेक्ट्रॉन त्यागो हम ग्रहण करते हैं। अगर वो माहौल क्रिएट नहीं करता वो स्थान, तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती। तो स्थान किसने काम करने लगा, तो स्थान कार्य किया किसका, तो एनोड का कार्य किया। अब आइए, जब एक बार लोहा ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो वो लोहर से होते हुए दूसरे छोर के पास पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 3, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन लोहा के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर, तो निश्चित रूप से दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। अब जब वहां इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता ऑक्सीजन, किसकी उपस्थिति में, तो H+ आयन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। H+ आयन तो आ चुका है ना यहां पर, देखिए सतह पर H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, माने अवकृत हो जाता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे O2 है, आगे आपका H+ आयन की उपस्थिति में ये सारी प्रक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने दो को लिया और ये बना लिया क्या चीज़, तो H2O बना दिया। देखिए ये रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हो गया ना, तो रिडक्शन जहाँ पर रिडक्शन हुआ वो कैथोड का काम करने लगता है। जिस स्थल पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस स्थान पर रिडक्शन होता है वह स्थान कैथोड का कार्य करता है। अब देखिए, जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ जिस स्थल पे, वो एनोड का काम करने लगा वह जगह, और जिस जगह पर क्या हुआ, रिडक्शन का क्रिया हुआ, वह किसका काम करने लगा, कैथोड का काम करने लगा। और इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो लोहा बदल चुका है Fe++ माने फेरस आयन में, फेरस आयन क्या करता है, पुनः बदल जाता है फेरिक आयन में। तो इसे आप पहले नोट करें और फिर इसके बाद छोटी सी और प्रक्रिया है उसको हम लोग लिख देते हैं। फेरस आयन है ये Fe++, फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है, Fe++ फेरिक आयन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, तो देखिए आपके पास Fe++ है और वह जल जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है और आपके पास वो मौजूद है, यहां पर क्या होता है कि यहां से ये बना लेता है Fe2O3 और 8H+ निकल गया, यहाँ पर 4H2O हो गया। आप देख पा रहे हैं 4 + 2 = 6 ऑक्सीजन हो गया, ये बैलेंस है, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड अब क्या करता है, जरा इसको समझिए। ये जल के संभव, मान के एक गो H2 आया और ये बदल देता है Fe2O3.xH2O, आप इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड,
हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को तो आप रस्ट कहते हैं, यही जंग है। और इस तरह से जो लोहा था वो बदल गया जंग वाले लोहा में, उस पर जंग लग गया। अब मुझे समझना है कि जंग का कारण क्या है, संक्षारण का कारण का कारण जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कारण समझ लेंगे तो इसका बचाव का उपाय भी समझ लेंगे। तो सबसे पहला तो कारण ये है संक्षारण का, कि जितना धातु सक्रिय होता है, धातु की सक्रियता, धातु जितना ज़्यादा सक्रिय होगा उसका संक्षारण उतनी जल्दी होगा। धातु की सक्रियता, मैं इसके बारे में लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप दिमाग में सेट रखिए, धातु की सक्रियता बढ़ेगी संक्षारण बढ़ेगा, याद रहेगा। पॉइंट नंबर दो, अशुद्धता, अशुद्धता इम्प्यूरिटीज, धातु की अशुद्धता कह सकते हैं, धातु में अशुद्धता। तो अशुद्धता जितना ज्यादा बढ़ेगा धातु में उतना ही ज्यादा संक्षारण बढ़ेगा। इसका मतलब कि शुद्ध जो लोहा होता है ना उसका भी संक्षारण नहीं होता, उसमें अशुद्धता जितनी ही ज्यादा होगी धातु में उसका संक्षारण उतनी ज्यादा होगा। तीसरा देखिए, हवा एवं नमी, हवा और नमी की उपस्थिति में ही संक्षारण होते हैं, तो हवा और नमी जितना ज्यादा रहेगा संक्षारण उतनी ही ज्यादा होगा। और चौथा देखिए, तनाव। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए ऐसे समझिए, एक लोहा का ये छड़ है, ठीक है, इस लोहा को छड़ को आपने बेंड कर दिया, और आप वो चाहे दो, एक लोहा का छड़ ऐसा रखा, इस तरह से ऐसा रखा, छोड़ दिया, आपको पता चलेगा यहां पर जहां पर ये तनाव उत्पन्न हुआ ये यहां पर जंग लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप वो लोहा कहीं पर रखा हो रहा था, जहां मोड़ आ जाता है उस जगह पर क्या होता है, तो तनाव के कारण वहां जंग लग जाता है। आपके पास अगर कोई बाल्टी है लोहे का, तो जहां पर मोड़ है उसका नीचे वाला पेंदी या कहीं पर भी, वहां पर जंग लगेगा। तो तनाव जैसे आता है, और जहां पर तनाव रहेगा जहां मुड़ेगा वहां पर जंग लगेगा ही लगेगा। अब आइए, जो इसका जो चीज है वो आप कह सकते हैं, इसमें वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या करिए कि एक लोहा का छड़ लीजिए और इसको पानी में रख दीजिए, ये लोहा का छड़ है पानी में है, मान लीजिए कि लोहा का छड़ है, और एक दूसरा लोहा का छड़ लीजिए और इसको क्या करिए कि नमक पानी में रख दीजिए, नमक पानी के बिलियन में, नमक पानी के बिलियन जो है ना उसमें जल्दी जंग लग जाएगा। मतलब वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में भी जंग लगने की संभावना जो होती है ज्यादा होती है। तो ये कुछ कारण हैं संक्षारण के, और इसी में इसका निवारण भी है, संक्षारण को कैसे रोका जाए। जैसे तो आज के लिए इतना ही, फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।